आर एच एक बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमने प्रीवियस एक दो वीडियोस में डिस्कस किया ब्लड ग्रुप के बारे में हमने ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ किया अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर आर एच जो आर बी सी पर है ये भी एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन अगर आर बी सी के सरफेस पर है देन तो उस इंडिविजुअल का जो भी ब्लड ग्रुप है उसमें हम पॉजिटिव लगा देंगे से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका क्या मीनिंग है अगर ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब आरबीसी के ऊपर एंटीजन या जो प्रोटीन होता है वो है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है अब अगर इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है कि इसके आर बी सी पर एक और प्रोटीन है जो एंटीजन है जिसे हम कहते हैं आर एच सो so, अगर पॉजिटिव लिखा इसका मतलब वो आर का प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पर है सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप हम लिखते हैं ए नेगेटिव तो आरबीसी पर ए तो है सो एंटीजन ए रहेगा एंटीबॉडी बी रहेगी बट आरएच रह नहीं है अब ये जो आर है इसे डिराइव किया है फ्रॉम रिसस ये रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था और इसीलिए वहां से रिसर्स का है तो आर एच वर्ड ले लिया ए बी एंटीजन की जो रिएक्शन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी बट ये जो रिएक्शन है बहुत माइल्ड रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमने कहा था ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी सो एंटीजन एंटीबॉडी एक्शन ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स इसे हम कहेंगे ए बी ओ इन कॉम्पैटेबिलिटी कॉम्पैटेबिलिटी का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ प्रॉपरली वर्क कर सकती है इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है जब दो चीजें एक साथ काम नहीं कर पा रही हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है उनके साथ में काम करने से जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए ब्लड ग्रुप डोनर का है ए रेसिपियंट का है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये कॉम्पैटिबिलिटी हो गई बट अगर डोनर का ब्लड ग्रुप कोई दूसरा है ओ भी हो सकता है बी भी हो सकता है सो so उस केस में रिएक्शन होगा मतलब ये दो जो ब्लड ग्रुप्स है ओ एन ए बी एन ए ये कॉम्पेटिबिलिटी शो नहीं करते इसलिए उसे हम कहते हैं एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी बट एक चीज ध्यान रखना है एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज माइल्ड ये एक बहुत माइल्ड रिएक्शन है बहुत बहुत कॉमन है मदर का ब्लड ग्रुप और बेबी का ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं है तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी होनी ही होनी है और इस केस में जो बेबीज वेन देर बॉर्न तो या तो उनको थोड़ा सा नीमिया होता है थोड़ा सा जॉन्डिस होता है आठ दस दिन के अंदर अपने आप रिकवर हो जाता है बट अब अगर हम आर की बात करते हैं तो आर जो फैक्टर है या ये जो प्रोटीन है इसकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत सिवियर है मतलब आर जो फैक्टर है या जो प्रोटीन है ये स्ट्रॉन्ग एंटीजन है स्ट्रॉग एंटीजन और अब जो रिएक्शन होंगी वो स्ट्रॉन्ग या बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाली रिएक्शन होती है सो so अब पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपियट की हमने कहा था कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ और जो यूनिवर्सल रेसिपियंट है वो है ए बी पहले इनका हम आरबीसी देख लेते हैं इसके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है एंटीबॉडी ए और बी है इसके आरबीसी पर एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है और कोई एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ये ए को भी ले सकता है बी वाले का भी ब्लड ले सकता है ओ का भी ले सकता है। ये ए को भी दे सकता है बी को भी दे सकता है ए बी को भी दे सकता है ओ को तो दे ही सकता है अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं अगर ये ओ पॉजिटिव होता तो इसका मतलब है यहां पर आरएच होता और सपोज ये वाला ब्लड किसी ये डोनर है कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को दिया जा सकता है बट अगर ये हमें ए पॉजिटिव वाले को देना है सॉरी ए नेगेटिव वाले को ले लेते हैं ए नेगेटिव वाले को देना है तो इस केस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है बी एंटीबॉडी है और आरएच नहीं है अब इस केस में इसकी बॉडी में आया एक स्ट्रांग एंटीजन और जो रिएक्शन होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी इसका मतलब हमारा जो यूनिवर्सल डोनर है वो होना चाहिए ओ नेगेटिव अगर ओ नेगेटिव है तो ना तो वो ए एंटीजन लेके जा रहा है ना बी एंटीजन लेके जा रहा है ना आर एच लेकर जा रहा है कोई भी एंटीजन वो नहीं लेकर जाएगा इन द बॉडी ऑफ द रेसिपिएंट ठीक है सो ओ तो ठीक है बट पॉजिटिव अगर है तो वो आर एच प्रोटीन लेकर जा रहा है आर एच एंटीजन लेकर जा रहा है तो वो किसको दिया जा सकता है जो पॉजिटिव है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इनको दे सकते हैं बट अगर कोई नेगेटिव है तो उस केस में ये आर एच की जो रिएक्शन होगी वो बहुत सीवियर होगी ए बी की बात करते हैं ये रेसिपियंट है ए से भी ले सकता है बी से भी ले सकता है ओ से भी ले सकता है अब अगर ए वाले से लिया से ए पॉजिटिव ए नेगेटिव यहां से अगर लिया ये रेसिपियंट है किसी का भी ब्लड ले सकता है तो ए पॉजिटिव की आरबीसी में क्या लेकर आएगा ये एंटीजन ए और आर एच ए नेगेटिव क्या लेकर आएगा एंटीजन ए आर एच नहीं रहेगा इसके पास इसके पास है एंटीबॉडी बी इसके पास भी है बी सो so, ये अगर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आया तो इसके साथ आ रहा है मतलब रेसिपियंट के पास प्लस होना ही चाहिए तो अगर इसके पास आर एच है तो आप ए ब्लड ग्रुप दो इसे ए एंटीजन कोई प्रॉब्लम नहीं इसके पास है इसका सेल्फ जैसा हो जाएगा बी का ब्लड ग्रुप देंगे बी एंटीजन है ए पॉजिटिव देंगे तो ए है और आर एच भी है मतलब ये पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है सो so, हमारा यूनिवर्सल रेसिपियंट कैसा होना चाहिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट होना चाहिए पॉजिटिव सारे एंटीजन है इसके पास ए भी है बी भी है और आर एच भी है और जो डोनर है वो कोई भी एंटीजन लेकर नहीं जाएगा ना ए ना बी और ना ही आरएच तो जब हम यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की बात करते हैं तो प्लस या पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ ओ डोनर है ऐसा नहीं बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव का मतलब है इसके पास आर एच प्रोटीन नहीं है और जो रेसिपिएंट है वो ए बी पॉजिटिव है तो वो ए बी उसका अपना हुआ एंटीजन बी का भी उसका अपना है और आर एच भी उसका अपना है So, कोई भी ब्लड ग्रुप अगर हम इसे देते हैं तो इस इंडिविजुअल की बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होगा आ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जब हम आर की बात करते हैं तो आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमने एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी पढ़ा सिमिलरली आरएच एच इन जैसा हमने यहां लिखा कि ए बी ओ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होती है वो एक माइल्डर रिएक्शन है। रियक्शनिटी जो होती है अ रिएक्शन, बहुत है। ये जो रिएक्शन होगा इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी ही रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये कैसा है ये वेरी वेरी सीरियस टाइप ऑफ रिएक्शन है और इससे कॉम्प्लीकेशन्स होते हैं और स्पेशली कॉम्प्लीकेशन हमें कब देखेंगे जब मदर और फीटस के बीच में ही रिएक्शन हो जाए जब हम ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद ही वो ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो ये चांसेस बहुत कम है कि पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले को हम दे सकें बट मदर आर एच नेगेटिव है और जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके वूम में वो आर एच पॉजिटिव है उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी दोनों नेगेटिव हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम कब होगा जब मदर नेगेटिव है और जो फीटस है जो हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें उस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटैलिस नेक्स्ट वीडियो में हम आरएच एच मदर और फीटस के बीच में क्या होगा एंड उससे जो मैंने कंडीशन अभी बताई इरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस वो कैसे ट्रिगर होती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे